Samir. Gel lan Samir. Samir. इंडिया तो IVF का हब बना हुआ है। एक सर्वे कहता है कि यहाँ पर हर 15वें मिनट पे नया फर्टिलिटी क्लिनिक खुल जाता है। बट ट्रस्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट हेल्दी एग। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने डायग्नोज किया, वरना गोरेगांव से वेंड्रा तक जितने फर्टिलिटी क्लिनिक वाले हैं सब ने सिर्फ होप दे के हम दोनों को ठगा है। और एक ने तो ये भी कह दिया था कि मैं कभी प्रेगनेंट नहीं हो सकती। वेल दैट इज ऑल पास्ट। द गुड न्यूज इज नाउ यू कैन नर्चर अ बेबी इन योर वूम। Your uterus is completely fine. But this time you have to be very, very careful, Soumya. Multiple IVF can be life-threatening for mothers. So take this as your last chance and stay healthy. Thank you, ma'am. Any preferences? मतलब थोड़ा गोरा हो, हेल्दी हो, ताकि हमारा एक भी हेल्दी हो. Okay, और eyes blue या green अगर करवानी है तो करवा देंगे, वो हमारे यहाँ एक स्पेशल पैकेज। मैम मैम बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। हाँ श्योर। रिक्वेस्ट है आपसे। बताइए। मतलब जो डोनर है उसका कास्ट, क्रीड अगर सब पता चल जाता तो हम बहुत। सॉरी सॉरी मनोहर जी, डोनर का डिटेल्स हम रिवील नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी। बट ट्रस्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट हेल्दी एग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई विल सी यू इन 15 डेज। हेलो मैम। हेलो सर, ये मेरा कार्ड है, मैं इरफान हूँ, मैं यहीं पे मैनेजमेंट में काम करता हूँ। IVF के लिए आपके दोस्त वगैरह किसी को भी जरूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम पैसे में मैं काम करवा दूँगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या है ना, स्पर्म्स और एग्स के लिए और भी सेंटर्स है, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेन एवर यू फील सो। ठीक है ना। थैंक यू मैम। ये सब हमको नहीं पता, इतने लंबे टाइम के बाद कुछ उम्मीद की किरण जगी है, इस पल को सेलिब्रेट करते हैं ना। अच्छा अभी ये सब बंद करो। ठीक है। खाओ। कम मीठा। हैप्पी बर्थडे। ये बलून तो हमारे बर्थडे वाला है ना। हाँ, इतने शॉर्ट मोमेंट में बलून कहाँ से लाता, लेकिन केक फ्रेश है, तुम्हारा फेवरेट अग्रवाल स्वीट्स। नहीं अभी नहीं। लोगी? नहीं, तुम पी लो। एक सिप ले लो। दो तीन हफ्ता बचा हुआ है ट्रांसप्लांट में, ले लो ना। नहीं पीना। अच्छा सुनो, ये प्रेगनेंसी वाला बात अभी किसी को बताएंगे नहीं, एक बार सब कंफर्म हो जाए फिर ही बताएंगे। हम क्यों बताएंगे किसी को? सर ट्रांसप्लांट से पहले चले क्या एक और सिद्धिविनायक? चल सकते हैं। और हाँ, ये दोस्तों के साथ रात को देर तक घूमना फिरना खाना पीना सब बंद करो, खर्चा बढ़ने वाला है। हम भी अगर जॉब कर रहे होते तो तुम्हारी मदद कर देते। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कमा रहे हैं, वो रानी बन के रहो आराम से। Thank you.
हल्का सा इस तरफ से ऊपर जाएगा। हाँ हाँ जी, बस बस बस, अब बिल्कुल मत लाइए, परफेक्ट है। ए सौम्या, अपने हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो, इतने लंबे टाइम से स्ट्रेस में रहे हो। लाइफ से स्ट्रेस कभी खत्म होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। तो कल नेट से देख के हम आपका डाइट प्लान बना देते हैं और आपको कल सुबह से ही योगा क्लास ज्वाइन करना है। योगा क्लास को ज्वाइन करना है? क्यों नहीं करना है? अरे सोसाइटी की आंटीज जाती हैं ना पार्क में सुबह सुबह, जहाँ पहले जाया करते थे, हम भी वहीं चले जाया करते। और बंटी की मम्मी फिर कुछ बोलेगी? कुछ नहीं कहेंगी, अब तो हम भी समाज में सर उठा के चल सकते, अब हमें कोई बांझ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे कुछ कपड़े हैं तो दे दो, मशीन चला रहा हूँ। तुम्हारा फोन दो, हमें स्पीड डिश ऑर्डर करना है। अरे वही फ्रिज पे चार्ज हो रहा होगा। देखो हेलो
हेलो, मैं उर्मिला बोलत आहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से। जी कौन? नाम क्या है तुम्हारा? जी फातिमा शेख। कहाँ से हो तुम? जी यहीं से। यहाँ कहाँ से? जी 5 महीना हुआ मुंबई में, वैसे बांग्लादेशी हूँ। क्या हुआ मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? काम क्या करती हो तुम? कुछ खास नहीं, ढूंढ रही हूँ जॉब। सर्वाइव कैसे कर रही? जैसे तैसे, कुछ छोटा मोटा इधर उधर। छोटा मोटा मतलब? पास में एक डॉक्टर का क्लिनिक है, उनके यहाँ पे काम करती हूँ पार्ट टाइम। उठा लो। नहीं बाद में। कोई बात नहीं, उठा लो। हस्बैंड है तुम्हारे? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड कब से? 3 महीने हो गए। कहाँ मिली इसे तुम? डेटिंग ऐप पे। प्यार करता है तुमसे? एक ग्लास पानी मिलाओगी? जी। लव, धूप, जमीन, डालडा के बाद केचुआ जिहाद लेकर आए हैं लोग। कैसे बचेगा हमारा देश इन मुगलों के गुलामों से? बहरहाल अभी एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है मुंबई के वर्सोवा इलाके से, जहां एक बड़े आईवीएफ स्कैम का पर्दाफाश हुआ है। एक फेमस फर्टिलिटी क्लिनिक के अवैध रूप से एम्ब्रियो एग और स्पर्म सेल का मामला उजागर हुआ है। इस चौंका देने वाली खबर के लीक होने के बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच वहां की स्पेशलिस्ट डॉक्टर आभा को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि एक मलयाली दाम्पत्य तब सकते में पड़ गई जब आईवीएफ के थ्रू कंसीव किए गए उनके 2 महीने के शिशु के फीचर्स बिल्कुल नेपाली के जैसे उभर कर सामने आने लगे। शुरुआती खबरों के अनुसार डॉक्टर आभा पर आरोप है कि वो उड़ीसा की एक नाबालिग लड़की से 14 महीने में 5 बार एग रिट्रीव कर उसे सेल करने का मामला सामने आ रहा है। क्या गारंटी है बच्चा हमारा नेपाली भूटानी नहीं निकलेगा? अरे छोड़ो यार, एक काम करो, आप एक ऑफिसर मेल डाल दो। क्या होगा उससे? रिप्लाई आ जाएगा 2-4 दिन में, बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या फालतू बात बोल रहा है, मेल डाल दो, ये करो वो करो। अब बताइए, अब चिल्लम चल्ली करके कुछ होने वाला है? अरे आभा मैडम को पैसा खाना था, उसने स्कैम किया, उसमें मेरा क्या, मैं तो सादा मैनेजर है, आप समझो। देखो इरफान भाई, ऐसा है कि इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, हमें किसी भी सूरत में डोनर का आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी तो मैं देगा। आप सोचो, पढ़े लिखे लग रहे हो, पढ़े लिखे हो आप लोग, सोल्यूशन तो है। क्या सोल्यूशन है? सौम्या को मत फोन कर देना ये सब बात करो। हम तो कह रहे हैं कि घर चले आओ। घर? अरे घर क्यों आ जाएं? घर आ जाओ। पापा से बात कर। अरे नहीं करेंगे पापा से बात भाई। अच्छा डोनर कौन है पता चला? डोनर का डिटेल आएगा ना, सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। एक ही बात बार 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 बार। ठीक है मम्मी, रखो फोन। नया स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इरफान से बात किए, वो डोनर का डिटेल तुमको भेज देगा। डोनर डिटेल्स? और तुम जानते हो उसको?